हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास ये 14 इंच का LG का जॉय प्लस इस मॉडल का टीवी आया है। मैं आपको दिखाता हूँ इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं अभी इसे ऑन करता हूँ। देखिए, टीवी ऑन हो गया। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीन लाइट जो है वो डिम आ रहा है। देखिए, हल्का हल्का स्नो दिख रहा है। देखिए, ये अभी AV पर मैंने किया, देखिए कैसे डल दिख रहा है स्क्रीन लाइट पे। AV का जो लोगो रहता है ये डल दिख रहा है। ये देखिए, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा रहा हूँ मैं, ये चैनल का दबा रहा हूँ। देखिए, इसके जो नंबर वगैरह जो भी है क्लियर कट नहीं दिख रहे। ये मेनू का दबाया मैंने। दोस्तों, भी मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, इस टीवी के सर्किट की हालत कितनी ख़राब है। शायद इसे बहुत सालों में खोला नहीं होगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारा स्पाइडर का जाली भी था, वो मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा निकाल दिया, और फिर भी इसमें कितनी मट्टी है। देखिए, बहुत सारी डस्ट है, तो मुझे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मुझे इस टीवी में ये बेस फॉल्टी लग रहा है। तो किट साफ करने के बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें बेस फॉल्टी है या और कुछ प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने इस किट में से ज़्यादातर डस्ट निकल दिए। देखिए, अभी मैं आपको इसे फिर से ऑन करके एक बार दिखाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको इसके CRT बेस के वोल्टेज भी दिखाऊंगा। देखिए, टीवी ऑन हो गए। अभी इसे मैं AV मोड में डालता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव, देखिए हम भगवान, इसका पिक्चर बहुत डल दिख रहा है, यानी डिफोकस है। उसका विरोध किया आज तक, तो इसके भी वोल्टेज चेक करते हैं अपन। एक भी कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन नहीं किया है। CRT बेस के करोड़ की संपत्ति आतंकवादियों की और अपराधियों की जब्त की गई, कुर्क की गई, बुलडोजर चला गरीबों को उसमें बांटा गया, तो इन्होंने विरोध किया। हाँ, इन्होंने गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया, इस प्रकार के आतंकियों को उन्होंने वहां पर पहुंचाया, हमने उनको जेल में पहुंचाया, या जहां पर उनकी आवश्यकता थी, जहां पर उन्होंने पुलिस पर हमला किया, कि नहीं, नहीं, कौन सा का कहते। देखिए दोस्तों, मैं अभी इसके CRT बेस का वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ब्लू कैथोड का वोल्टेज है। देखिए, रेड कैथोड का है, स्क्रीन वोल्टेज है दोस्तों। और एक ग्रीन कैथोड का है, 72।
ये सारे वोल्टेज देखिए बराबर आ रहे। मैं अभी आपको हीटर का वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए 6 वोल्ट हीटर भी ओके है। देखिए ये ब्लू कैथोड, ये रेड और ये ग्रीन। दोस्तों मुझे लगता है इसका जो बेस है यही फॉल्टी होगा। इसे मैं अभी बंद करके निकालता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें बहुत डस्ट था, मैंने क्लीन किया है, फिर भी इसे हम बदली करके इसे देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये ग्रीन हो गया था, टूट भी गया अंदर से। देखिए बेस के सॉकेट में देखिए अंदर ग्रीन हो गया है उसका वायर और टूट भी गया है। तो ये बेसी फॉल्टी होगा, इसलिए हमारा पिक्चर जो है डल और डिफोकस दिख रहा था। तो ये स्मॉल नेक का ट्यूब है दोस्तों। ये बेस 7 पिन का बेस है छोटा। ये अभी मेरे पास है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ, अगर है तो तुरंत लगाऊंगा या फिर इसे लाकर आपको लगा के बताऊंगा। ओके दोस्तों, दोस्तों इसके वीडियो आउटपुट आईसी पर जो प्लस वोल्टेज पे कैपेसिटर है, ये भी इसका टॉप देखिए ऊपर फूगा हुआ है, यानी ख़राब है। इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तभी मैं ये दोनों रिप्लेस करके बाद में आपको आगे का पिक्चर आता है नहीं आता है वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे सेम टू सेम तो बेस नहीं मिला। ये देखिए डबल सॉकेट वाला है, ये फोकस का वायर और स्क्रीन वोल्टेज का वायर। तो इसमें खाली फोकस वाला है, स्क्रीन वोल्टेज का मैंने डायरेक्ट दे दिया और ये दूसरा लगा दिया। और इसका एक कैपेसिटर भी चेंज कर दिया 4.7 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट। तो अभी हम ये लगा कर देखते हैं हमारे ट्यूब पर और इसे ऑन करके देखते हैं हमारा फॉल्ट ओके हुआ कि नहीं। दोस्तों ये टीवी का लाइन तो आ गया, मगर देखिए इसका स्क्रीन पतला लाइन आ रहा है, फुल ब्राइट हो गया। शायद इसका वीडियो आउटपुट का वोल्टेज कट हुआ होगा दोस्तों। देखिए मैं बंद करके देखता हूँ। देखिए स्विच ऑफ स्पॉट आ रहा है, इसका मतलब वीडियो आउटपुट पे जो सप्लाई आती है वो कट हो गई है। देखिए देखते हैं इधर से। दोस्तों कभी कभी काम करते समय ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जूना किट है, 15 साल पुराना है। देखिए वीडियो आउटपुट का वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, देखिए यहाँ पे एब्सेंट हो गया। ये वीडियो आउटपुट का पिन यहाँ पे शायद देखिए स्पार्क हो रहा है, ये कट यहीं से हो रहा है दोस्तों। देखिए
देखिए केवी में डाल दिया मैंने, और फिर से यहाँ पे कनेक्टर इसका जो डायरेक्ट है वायर, देखिए दोस्तों ये नीचे ही स्पार्क कर रहा है, यहाँ पे यहीं से वो कट हो रहा है, देखिए। देखिए मैं अभी इसे फिर से सोल्डर करके देखता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आउटपुट का जो वायर है वोल्टेज यहाँ पे कट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो आउटपुट वोल्टेज जो है, यहाँ का सोल्डर तो नहीं निकला, ये ओके है, मगर दोस्तों क्या हुआ है देखिए, ये जो सॉकेट कनेक्टर है यहाँ से, इसके यहाँ से अंदर से देखिए, अंदर से इसका पिन टूटा है दोस्तों। ये भी मैं वायर काट के इसे सोल्डर कर दूंगा डायरेक्ट। देखिए दोस्तों अभी वायर मैंने यहाँ से डायरेक्ट काट के नीचे जोड़ दिया है 180 वोल्टेज के लिए। अभी हम इसे फिर से ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन तो आ गई, अभी टीवी से इसे एवी पर करता हूँ। दोस्तों अभी हमारा पिक्चर वगैरह तो आ रहा है, मगर इसमें और शायद देखिए ये एसी मिक्सिंग होती है ना, वैसे थोड़ा इसमें थोड़ा स्क्रीन में एसी मिक्सिंग जैसे आ रहा है, तो शायद हाई वोल्टेज का कोई फिल्टर भी इसमें अभी भी खराब हो सकता है, वो भी मैं चेक करके देखिए। ये हाई वोल्टेज का या कोई भी कैपेसिटर लीक होता है तो ऐसे पिक्चर आता है, तो ये भी हम क्लियर करके होता है क्या देखेंगे, आगे बताता हूँ मैं आपको, देखते रहिए दोस्तों। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेस चेंज किया उसके बाजू में वीडियो आउटपुट पर जो 4.7 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट का कैपेसिटर बदली किया, तो हमारा जो ये पिक्चर डल था ये तो ओके आ गया, मगर फिर से मैं जब उसका बेस पीसीबी बिठाने गया तो हिलने की वजह से इसमें रिट्रेस आ गया, वीडियो आउटपुट का जो वोल्टेज है 185 या 200 वोल्ट समझो वो कट हो रहा था, तो वो मैंने डायरेक्ट करने के बाद हमारा पिक्चर देखिए ये ऐसे आ रहा है, यानी ये दाते दाते वाला पिक्चर आता है। ये मेन फॉल्ट आपको पता है दोस्तों किसकी वजह से होता है, कोई ना कोई जो SMPS आउटपुट या EHT आउटपुट जो रहता है हमारा वो फुल DC फिल्टर नहीं होता है, AC मिक्सिंग होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आता है, तो ये फॉल्ट अभी मैं आपको बताता हूँ किसकी वजह से हो रहा था, तो देखिए आप। उसके लिए मैंने EHT सेक्शन से वीडियो आउटपुट के लिए 125 वोल्ट सप्लाई जाता है उसे चेक किया,
दोस्तों ये हाई वोल्टेज है, इसके लिए बता नहीं रहा है। इस पे देखिए 207 वोल्ट आ रहा है, वही मैं बोला क्यों नहीं दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी मैंने चेंज किया था 10 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट, मगर इससे भी ये फॉल्ट हमारा जो डीसी जो फिल्टर नहीं हो रहा था, बीच बीच में दाते वाला पिक्चर जो आ रहा है वो इससे नहीं हुआ। फिर यहाँ पे EHT पे जो सप्लाई जाता है इसके ऊपर भी एक कैपेसिटर था 10 MFD 250 वोल्ट, तो ये भी मैंने बदली किया। देखिए 120-121 वोल्टेज आ रहा है, इससे भी कोई फॉल्ट ये अपना क्योर नहीं हुआ। तो बाद में मैंने यहाँ पे ये देखिए 4.7 माइक्रोफेरेड 160 कैपेसिटर है, ये योक सप्लाई के लिए जाता है, ये भी मैंने रिप्लेस किया दोस्तों, फिर भी ये कुछ हुआ नहीं इसमें प्रोग्रेस। बाद में मैंने ये 220 कैपेसिटर जो है 160 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट, देखिए इसे भी चेंज किया, इसका भी सप्लाई ओके, मगर ये रिप्लेस करने के बाद भी ये फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर है 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट, ये 8 वोल्ट के ऊपर है, इसे भी रिप्लेस किया, फिर भी ये फॉल्ट हमारा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अंदर से कैपेसिटर है 1035, ये 10 वोल्ट आता है, ये 8 वोल्ट IC के लिए 8 वोल्ट 5 वोल्ट IC जो है यहाँ पे देखिए ये सप्लाई है, तो ये भी कैपेसिटर बदली किया, फिर भी ये फॉल्ट क्योर नहीं हुआ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये 14 वोल्ट है, 14 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर था दोस्तों, जो ये सप्लाई हमारे हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर को जाता है। देखिए यहाँ पे ये 9.4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 11 से 12 वोल्ट आना चाहिए, ये यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, देखिए यहाँ पे 11.6 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 9.4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है 125 वोल्ट, ये दोस्तों मुझे फॉल्ट मिला, इसका ये फॉल्टी मिला। तो देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली सामने लगा के दिखाता हूँ, नीचे से मैंने निकाल दिया है, देखिए ये कैपेसिटर था, देखिए का था, ये मैं भी आपको डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ, इसका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 14 वोल्ट का सप्लाई आउट है, देखिए हमारा पिक्चर ओके आ गया। अभी मैं कैपेसिटर हटाता हूँ, देखिए अभी लगा दिया मैंने, अभी हटाता हूँ, देखो हटा दिया थोड़ा तो फिर से AC मिक्सिंग आ गया पिक्चर हमारा। ठीक है फिर से लगाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों हिल रहा है मेरा कैपेसिटर, देखिए ओके हो गया, देखिए छोड़ दिया, ये फिर से AC मिक्सिंग आ रहा है। तो ये जो मेन फॉल्ट, ये DC फिल्टर नहीं हो रहा था 14 वोल्ट हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए, तो देखिए इस तरह से हमारा टोटल फॉल्ट क्योर हो गया दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब मैंने ये 14 वोल्ट पे 125 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया। अभी मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। पहले तो 11 वोल्ट आ रहा था, देखिए अब 14.1 वोल्ट आ रहा है। और ये डायोड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे देखिए अभी 11 पॉइंट, कम से कम 11 वोल्ट आ रहा है। इससे पहले 9 वोल्ट आ रहा था और यहाँ पे 11 आ रहा था। अब देखिए 14.1 वोल्ट हो गया और हमारा पिक्चर भी यहाँ पे देखिए ओके हो गया। अब मैं आपको इस किट के मेन पार्ट्स के नंबर या नाम बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये एसटीआर है W6754 नंबर का। ये वर्टिकल आईसी है दोस्तों, इसका नंबर है TDA4863AJ। ये क्रोमा आईसी है, इसका नंबर है TDA9340PS/N3/A/1923। ये वीडियो आउटपुट आईसी है दोस्तों, TDA6107। ये EHT है दोस्तों, इसका नंबर है 6174V6002K। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है दोस्तों, मीडियम है, MD1803DF। और यहाँ पे साउंड आईसी है दोस्तों, इसका नंबर है TDA2006। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें तीन फॉल्ट हो गए थे। एक तो इसका पिक्चर डल दिख रहा था, तो उसका CRT का 7 पिन वाला छोटा बेस फॉल्टी हो गया था। बाद में रिट्रेस लाइन आ गई, वीडियो आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप हो गए। और तीसरा फॉल्ट AC मिक्सिंग, DC फिल्टर नहीं हो रहा था, इसके लिए पिक्चर हमारा ऐसा दाते दाते जैसे आ रहा था। तो अभी हमारा फॉल्ट क्योर हो गया है। इसमें देखिए, ये सारे पार्ट मैंने चेंज करके देखिए ये, और ये मेन फॉल्ट 125 ये फॉल्टी मिला। अभी बाद में दोस्तों सारे कैपेसिटर में निकाल दूंगा और इसके चार जो कैपेसिटर जो है ओरिजिनल वही लगा दूंगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।